अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा था, क्लियर साउंड नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी ना आज शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको यूज़ करने का। चलो उसके लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा। तो पहले हम जो है ना एलोवेरा काट के ले आते हैं क्योंकि हमारे घर में लग रहा है, और अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं लग रहा है ना तो फिर आप जो रेडीमेड मार्केट का मिलता है एलोवेरा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास लग रहा था तो मैंने कहा चलिए ये वाला ले लेते हैं। तो ये लीफ इस तरह से मैंने ले ली है, इतनी बड़ी। अगर आप लीफ ले रहे हैं तो ऐसे ले लें, और ना लें तो आप तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जैसे देख रहे हैं ऐसे आप भर के जो है ना एलोवेरा ले सकते हैं। तो इसको मैं मिक्सर में अच्छे से जो है ना फाइन इसका पेस्ट टाइप बना लेती हूँ जब तक के। और साथ ही हमें चाहिए होगा, यहाँ पे छोटा हो तो 1 नींबू पूरा ले लें, बड़ा हो तो आधा ले लें, ठीक है। इसको हमें इसमें रस जो है इसका नींबू का जूस पूरा इसमें ऐड कर देना है। तो ये जो रेमेडी है ना ये इतनी ज़बरदस्त है, डैंड्रफ हो रहा है आपका सर में, इचिंग हो रही है डैंड्रफ की वजह से, या वैसे भी इचिंग होती है किसी किसी को, मुझे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग होती है सीरियसली, मतलब ज़रा सा भी डैंड्रफ हुआ नहीं या फिर ड्राइनेस आई नहीं कि मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। और ये जो है ना मुझे समर में भी होती है, और यहाँ पे जब मानसून आता है ना रेनी सीज़न में बारिश में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करें। और जिनके सर में लाइस है, लाइस का प्रॉब्लम है, जुएं हैं अगर, तो उनके लिए तो ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो आप देख लें। तो वीडियो को जो है ना स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि अब क्या करना है, इसका क्या करना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा। तो यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पे मैंने ये साबुन लिया है स्कैबनेल, स्कैबोना और स्कैबिज ऐसा कुछ करके होता है। तो ये स्कैबिज जो होती हैं लाइज के लिए और स्किन की जितनी भी इरीटेशन वाली प्रॉब्लम जो भी होती है ना हमें, उसके लिए बेस्ट होता है। तो वो हमें यहाँ पे थोड़े से पानी में इसको साबुन को हमने घोल लिया है, वो हमने ऐड कर दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना भर के हमने कोकोनट ऑयल इसमें मिला लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिला के हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और फिर इसे हमें सर में लगाना है। तो आपके सर में अगर जुएं भी हो रही हैं ना, अगर आपका सर में जुएं हैं, लीक हैं, जो भी होती हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये साबुन नहीं मिल रहा है तो आप मेडिकल जो होता है वो ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि साबुन जो है ना वो बेस्ट है। अगर आप ये रेमेडी पूरी ना करके सिर्फ साबुन ही अगर सर पे लगाएंगे ना, उससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है ना जो इचिंग की है, जुओं की है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो वीक में जो है ना 1 से 2 बार आप इस रेमेडी को करें। मैंने एक बार किया था तकरीबन, मैंने लास्ट वीक मैंने इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, और 8 से 10 दिन हो चुके हैं, मेरे सर में ज़रा भी इचिंग नहीं है, बहुत सुकून है। नहीं तो इतनी इचिंग थी ना, दोनों हाथों से मैं सर को गुजा रही थी सीरियसली। तो जो है ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इसको खूब अच्छे से हमें जो है ना जड़ों में लगा लेना है पूरे में, और जो नीचे के बाल बचेंगे हमारे उसमें हम जो हेयर ऑयल है हमारा वो हम लगा देंगे, ठीक है। इसे लगा के हमें 20 से 25 मिनट आधा घंटा तक आप इसको रख लें अच्छे से, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, बालों के लिए सारी चीज़ें सेफ़ हैं। तो इसको ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी जिनको ये प्रॉब्लम है, और साबुन का स्क्रीनशॉट लेके आप मेडिकल स्टोर पर जाएँ, आपको वहाँ पर ईज़िली मिल जाएगा। ये ब्रांड नहीं तो दूसरा चलेगा, लेकिन आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको इजीली बता देंगे। तो ये सारा हमें इस तरह से लगा के हल्की सी मसाज करनी है, ठीक है, स्किन पे, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और नीचे के बालों में जो है ना हमारे बचे हुए जो हैं उन पे हम ऑयलिंग कर लेंगे अच्छे से, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए, मतलब उनको भी अच्छे से नरिशमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद हमें सिंपल सा जो हमारा शैम्पू है ना वही हम शैम्पू करेंगे, उसके बाद कंडीशनर जो हम करते हैं जैसा हमारा रूटीन होता है हेयर वॉश करने का, वो हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। बस हमें इसको लगा लेना है, लगा के खूब अच्छे से इसको रहने देना है, और एक ऊपर से हम शॉपर लगा लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हीट से जो है ना कोई भी रेमेडी आप सर में हेयर मास्क लगाएं, कोई भी चीज़ लगाएं, तो हीट से क्या होता है वो चीज़ काफ़ी अच्छा असर करती है, ठीक है। तो कोई भी आप जो है ना अपनी मैचिंग का जो है ना शॉपर, कोई भी पॉलिथीन या जो भी आपके पास अवेलेबल वो आप लगा लें, और उसके बाद में उसको अच्छे से वॉश कर दें, ठीक है। चलो तो अब ये मैं वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो ये देखें मेरे बाल कितने अच्छे क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं, साफ़ सुथरे से दिख रहे हैं, और अच्छी खासी शाइन भी दिख रही है,
और बिल्कुल भी जो है ना इचिंग नहीं है। तो आई होप आप लोग ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, जिनको इचिंग की, डंड्रफ की, जूहों की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आता है तो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।